नमस्कार दोस्तों, आज से हम आप लोगों को मानचित्र अध्ययन कराने वाले हैं। बहुत से एग्जामों में देखा गया है कि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम मानचित्र अध्ययन को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीप की, दूसरे बात करते हैं महासागर की, तीसरे बात करते हैं भारत का भूगोल। लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले भारत के भूगोल का मानचित्र पढ़ाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड मैप पढ़ाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं महाद्वीप की। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया, अंटार्कटिका। अब महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत विभाजन। अगर हम देखें तो विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले लारेंसिया और गोंडवाना लैंड और उसके बीच में टेथिस सागर था, तो इनके टूटने के से विश्व के जो 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो बात करते हैं सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत विभाजन, फिर पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानियों की चर्चा करेंगे, और वर्ल्ड में कौन कौन से प्रमुख नगर हैं और प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार, प्रमुख मैदान एवं प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख नदियां, प्रमुख झीलें, प्रमुख जल संधियां और प्रमुख प्रायद्वीप, तटीय खाड़ियां। जैसे भारत में बंगाल की खाड़ी है, इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ खाड़ी होगी उसका अध्ययन किया जाएगा, और पूरे वर्ल्ड में प्रमुख स्थानीय पवने कौन कौन सी चलती हैं, स्थानीय पवने, तटवर्ती सागर कौन कौन से हैं, तटवर्ती द्वीप कौन कौन सी हैं, और काल्पनिक रेखाएं। जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ा जाएगा, और पूरे विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, और नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर स्थित हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, और पूरे विश्व में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे लाल मृदा, काली मृदा, इस प्रकार से मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एवं बात करेंगे जलवायु एवं वनस्पति की, और विश्व में कहाँ कहाँ ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और देशों की संसद के नाम के चर्चा करेंगे। जैसे अपने देश में संसद है जो 2 भागों में विभाजित है, लोकसभा 3 भागों में विभाजित है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और आगे हम बात करेंगे स्थानांतरणशील कृषि, प्रमुख उपनाम, भूकंप व ज्वालामुखी क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख घास के मैदान और प्रमुख अंतरीप की। अब हम बात करते हैं महासागर की। तो महासागर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? तो इसके तहत पहले हम लोग जानेंगे महासागर क्या होते हैं और पूरे विश्व में कौन कौन से महासागर हैं, महासागर की लवणता, महासागरीय जलधाराएं, ठंडी और गर्म जलधाराएं के बारे में पढ़ेंगे, और उच्चावच गर्ते, और इसके तहत और भी जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगेंगे आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में भारत की स्थिति का सामान्य परिचय दिया जाएगा, और अपने देश में कौन कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं एवं उनकी राजधानियां भी डिटेल से बताई जाएगी, और अपने देश से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इनके बारे में बताया जाएगा, और भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, मरुस्थल हैं, मैदान, प्रमुख नदियां, जलप्रपात और नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, दर्रे, झीलें, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जलवायु, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत के किन किन क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, और औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, और अपने देश की परिवहन की स्थिति कैसी है, कृषि, आज की कृषि अर्थव्यवस्था कैसी है, और पशुपालन पर भी चर्चा किया जाएगा, और अपने देश में किस किस क्षेत्र में जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं।
और प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा की जाएगी। वन्य जीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क के बारे में बताया जाएगा और जनगणना 2011 की चर्चा की जाएगी। और भी जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगेगा आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र की। भारत के राजनीतिक मानचित्र को अगर देखा जाए तो यह 8° 4' देशांतरी विस्तार से लेकर के और यह ऊपर 37° 6' तक इसका विस्तार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है तो 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम से पूरब की तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है और पश्चिम में इसका अक्षांशीय विस्तार 68° 7' से शुरुआत हो करके और यह अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ है 97° 25' तक। और अगर दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में 8° 4' से इसका देशांतरी विस्तार शुरू हो करके 37° 6' तक गया है। अब हम भारत के राज्यों की बात कर लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है एवं इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करें कर्क रेखा की तो यह कर्क रेखा 23 सही 1/2 से होकर गुजरती है और यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम बात करें 28 राज्यों की तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें सेवन सिस्टर्स की तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एवं सिक्किम। सिक्किम सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार से कुल 28 राज्य हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कवरत्ती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अभी हाल ही में 26 जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने दमन, दीव एवं दादर नागर हवेली तीनों को कंबाइंड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। यह तीसरे नंबर का हो गया केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद आ जाता है नंबर पुदुचेरी का। इस प्रकार से कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम बात करें भारत की, भारत से कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं तो पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करता है। इसके बाद भूटान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है और पाकिस्तान, और इसके बाद अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान भारत से बहुत ही छोटा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इधर म्यांमार जो कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 के बाद
इसको दो भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, जहां लद्दाख की राजधानी लेह है, वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। यदि हम बात करें अब तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इसके पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और अगर हम बात करें तो भारत की जो सीमा है उससे जो है 12 समुद्री मील तक भारत का जो है भारत की सीमा के अंतर्गत माना जाता है। बात करें दोस्तों तो भारत का मानक यामोत्तर जो कि ग्रीनविच यामोत्तर से 5.5 घंटा आगे है, तो यह भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से होकर गुजरता है। और अपने देश का मानक यामोत्तर कितना है? तो 82.30 है। इसी के द्वारा हम लोग जो है अपने जो है समय को देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है और विश्व के स्थानीय भाग का कितना परसेंट है? तो 2.4% है स्थलीय भाग का। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज भारत के मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में जाना कि भारत में कौन कौन से कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं एवं कर्क रेखा की स्थिति देखी और भारत के मानक या मोत्तर रेखा उसकी स्थिति देखी तथा भारत के दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन से सागर हैं इनकी स्थिति देखी गई और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है एवं देशांतरी विस्तार कितना है इसके बारे में हम लोग पढ़ें और भारत के कौन कौन से देश भारत से सीमा साझा करते हैं इनके बारे में पढ़ा गया। तो दोस्तों यह जो मानचित्र अध्ययन की श्रृंखला है, ये जो विषय सूची दी गई है इसी के अनुसार जो है हम नेक्स्ट डे क्लास लेकर आएंगे। और सबसे पहले हम भारत का भूगोल के जो है जितने टॉपिक दिए हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है हम वर्ल्ड मैप को शुरू करेंगे। तो भारत में कहीं जो है इस समय जैसे चक्रवात आ रहा है, ताकते चक्रवात कुछ दिन पहले गुजर गया, अब यास चक्रवात आ रहा है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी से, सॉरी दोस्तों। तो इस प्रकार से चक्रवात के बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। और यहाँ अगर हम बात करें तो कर्क रेखा और मानक यामोत्तर रेखा यह जो है छत्तीसगढ़ में मिलन कर रही है और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मानक यामोत्तर रेखा और ये कर्क रेखा जो है आपस में कहाँ मिलती हैं एवं यह भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। इसके लिए ट्रिक वैसे तो है मित्र पर गमछा झार और इस के सहारे जो है हम जान सकते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह मानचित्र अध्ययन बहुत अच्छा लगा होगा और हम इससे भी अच्छा जो है बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं जो भी कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।